नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एप्सिस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी के टाइम जो है दोस्तों, लगातार जो कंपनी है क्वार्टर टू का जो डेटा है वो लगातार यहाँ पर जारी करती हुई नज़र आ रही है। पर इस बीच कमेंट से देखने को मिलने वाली कि एप्सिस सॉफ्टवेयर जो है वो कब तक अपना जो डेटा है वो यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है, साथ ही साथ कंपनी के जो रिजल्ट्स के जो आउटलुक्स हैं, टारगेट्स हैं, वो किस प्रकार के होने वाले हैं, और अभी के टाइम दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रेड ओपन होने वाली है उसको लेकर अभी टाइम क्या अपडेट यहाँ पर रहने वाली है, क्या फंडामेंटल नज़र आ रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर अब वर्तमान प्राइस की अगर बात की जाए तो वर्तमान जो प्राइस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो 2.55 रुपये पर यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार अगर यहाँ पे मार्केट जो है दोस्तों गिरावट की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले टाइम शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट था वो अच्छा खासा यहाँ पे बुक यहाँ पे देखने को हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होने के बाद वापस मार्केट जो है गिरता हुआ देखने को नजर आया। अभी के टाइम वर्तमान में अगर यहाँ पे देखी जाए तो कंपनी की जो है मार्केट कैप 436 करोड़ पर अभी वर्तमान में आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अभी उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो स्टॉक्स पी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो 231 करोड़ की देखने को नजर आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पे ROC की अगर बात की जाए तो उसमें अच्छा खासा सुधार यहाँ पे जो पिछले टाइम जो जंप अच्छी खासी लास्ट एक महीने पर देखने को मिली उसमें काफ़ी अच्छी रिकवर करती हुई देखने को मिली। ROE में भी काफ़ी अच्छा सुधार यहाँ पे देखने को मिला। वर्तमान में कंपनी दोस्तों अभी टाइम डिविडेंड यहाँ पे ऑलरेडी पे आउट नहीं कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों डिविडेंड को लेकर अपडेट जो नज़र आ रही आउटलुक जो देखने को मिल रही है कंपनी क्वार्टर टू में, तो दोस्तों आप लोग को डिविडेंड देने वाली है नहीं, पर कंपनी का दोस्तों आने वाले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, आने वाले जो अगले जो टारगेट्स हैं उनमें कंपनी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 1000 करोड़ अबाउ यहाँ पे होता है, और कंपनी अगर यहाँ पे कर्ज मुक्त यहाँ पे रहती है तो कंपनी आप लोग को 100% जो है डिविडेंड यहाँ पे आउट कर सकती है। ये अब तक की जो आउटलुक्स और एक्सपर्ट की राय यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो इंडस्ट्रीज पी है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जो एक स्वस्थ कंपनी की एक इंडस्ट्रीज पी जो होनी चाहिए वो अभी टाइम यहाँ पे 35.6% की यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। कंपनी का जो EPS रेट है वो अभी थाम जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जा सकता है, पर पॉजिटिव रहने वाला है, ये अच्छी बात देखने को मिली। साथ ही साथ कंपनी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक भी शेयर जो है वो यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है, ये देखने वाली बात रहेगी। पर कंपनी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है 330% पॉजिटिव देखने को मिल रही है, प्राइस टू अगर यहाँ पे देखा जाए तो 12.5 का यहाँ पे रहने वाला है। कंपनी की सेल्स की जो ग्रोथ अगर देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम 6% जो है नेगेटिव ऑलरेडी गिर चुकी थी, पर अभी टाइम उस चीज़ को सुधार हुआ वापस देखने को मिला और 2% पॉजिटिव ओवरऑल अभी टाइम देखने को नजर आ रही है। पर साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है पब्लिक की अगर बात की जाए तो 80.3% की पब्लिक होल्डिंग रहने वाली है, प्रमोटर्स की अगर बात की जाए तो 19.6% की यहाँ पे देखने को मिल रही है, और कंपनी का वर्तमान प्रॉफिट मार्जिन सॉरी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 19 का यहाँ पे रहने वाला है। तो टोटल जो कुल मिला की बात यहाँ पर रहने वाली है काफ़ी अच्छा जो है जो कंपनी का फंडामेंटल नज़र आ सकता है। पर इस बीच अब बात ये देखने को मिलेगी क्वार्टर टू का जो डेटा है वो कब तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं बता दूँ आप लोग को नेक्स्ट वीक जो है यानी कि अगला जो वीक यहाँ पे कल से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें कंपनी की शायद से बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट यहाँ शायद हो सकती है, तो उसमें कंपनी का जो है क्वार्टर टू को लेकर जो है यहाँ पे जो है फाइनल जो डेट है वो शायद से जारी की जा सकती है। ये अब तक की जो है आउटलुक से यहाँ पे देखने को मिल रही है। पर दोस्तों देखा जाए तो कल मार्केट यहाँ पे क्लोज यहाँ पे रहने वाला है मंडे को दोस्तों 2 अक्टूबर इनकी महात्मा गांधी जयंती की वजह से, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट क्लोज यहाँ पे रहने वाला है। टोटल मार्केट जो है हॉलीडे रहने वाला है शेयर मार्केट का। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के जो अभी टाइम जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। रही बात दोस्तों टारगेट्स की, तो टारगेट्स की जो कीमत जो यहाँ पे देखने को मिल सकती है वो इस डिपेंड पे इस बात पर निर्भर करने वाले कि पिछले जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार के देखने को मिले, उसमें कंपनी का जो उतार चढ़ाव हुआ वो किस प्रकार देखने को मिला, कंपनी की जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार बनी, कंपनी का जो ROC है ROE है वो किस प्रकार पर किस लेवल पर यहाँ पे देखने को मिला। तो अभी के टाइम जिस प्रकार वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा बन सकता है और कंपनी का जो टारगेट है वो दोस्तों 3 रुपये को यहाँ पे बना सकता है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि वर्तमान में अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2.55 रुपये पर वर्तमान जो प्राइस है वो देखने को मिल रही है, और 3 रुपये 20 पैसे से दोस्तों यहाँ कीमत है उसके बीच में कंपनी का जो है क्वार्टर टू का जो टारगेट से जो प्राइस एवरेज है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो ये देखने वाली आगे चलकर बात रहेगी। पर कंपनी में अभी के टाइम जो नेगेटिविटी जो नजर आने वाली है कि सेल्स की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में 0.35% गिरी, अभी के टाइम देखा जाए तो पिछले हाल ही में दोस्तों कंपनी की जो सेल्स की जो ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली, इंप्रूवमेंट काफी अच्छा देखने को मिला। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी नेगेटिव जा सकती है, वही यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कंपनी की दोस्तों इक्विटी पर जो रिटर्न है
पिछले 3 सालों में 0.18% तक यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अदर अर्निंग में देखा जाए तो इंक्लूड अदर इनकम में दोस्तों 2.35 करोड़ की जो है अदर इनकम कंपनी में देखने को नजर आई है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस तरीके और बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना। एंसर स्क्रीन आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।